हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशी जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी ए लैब साइंटिस्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लुईस ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखिए, ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो ओवरऑल स्टोरी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? एंटीजन और एंटीबॉडी पर। जैसे हम लुईस ब्लड ग्रुप सिस्टम को अगर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से कंपेयर करें तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या थे, कौन से एंटीजेंस बन रहे थे वहाँ पे? ए, बी और एच। और कौन सी एंटीबॉडीज थी? एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी। इन एंटीजेंस और इन एंटीबॉडीज के बेसिस पे पूरा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम था। उसके अलग अलग ब्लड ग्रुप्स थे, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, ओ ग्रुप, राइट। लुईस ब्लड ग्रुप सिस्टम में सिमिलरली एंटीजन और एंटीबॉडी का ही खेल है। लुईस ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो एंटीजेंस होते हैं वो दो एंटीजेंस होते हैं, एल ई ए एंटीजन और एल ई बी एंटीजेंस। और अगर हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज की बात करें तो इसमें एंटीबॉडीज भी दो होती हैं, एंटी एल ई ए एंटीबॉडी और एंटी एल ई बी एंटीबॉडीज। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से कि लुईस ब्लड ग्रुप सिस्टम की हमें हिस्ट्री क्या बताती है। इसकी हिस्ट्री हमें ये बताती है कि 1946 में एंटी एल ई ए एंटीबॉडी डिस्कवर्ड हुई थी और रिपोर्ट करी थी किसने? मोरेंट ने। 1948 में एंटी एल ई बी एंटीबॉडी डिस्कवर हुई थी, किसने करी थी? एंडरसन ने। ये इसकी हमें हिस्ट्री बताती है। लुईस ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया। एंटीजेंस आते हैं दो, एल ई ए और एल ई बी। एंटीबॉडीज भी आती हैं दो, एंटी एल ई ए एंटीबॉडी और एंटी एल ई बी एंटीबॉडीज। लुईस एंटीजेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर और फिर उसको आरबीसीज एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या था कि वो जो एंटीजेंस थे ए बी एच, ये एंटीजेंस आरबीसीज में बन रहे थे और फिर कहाँ रिप्रेजेंट हो रहे थे? आरबीसी की सेल सरफेस पे रिप्रेजेंट हो रहे थे। लुईस ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है कि ये जो एंटीजेंस होते हैं दोनों, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फिर आरबीसीज प्लाज्मा से उनको एड्जॉर्ब करती है और अपने सरफेस पे ले लेती है। तो ये आरबीसी क्या करेगी, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा में ये दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है, तो आरबीसी क्या करेगी, इन एंटीजेंस को प्लाज्मा से एड्जॉर्ब कर लेगी और फिर ये दोनों एंटीजेंस आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसकी जो ये सेल्स हैं, कौन से सेल्स इन एंटीजेंस को बनाते हैं? वो सेल्स हैं हमारे एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथीलियम। जीन्स जो रेस्पॉन्सिबल है ये एंटीजेंस बनाने के लिए, एंटीजेंस जो बनाते हैं वो जीन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन से जीन्स बनाते हैं लुईस ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस? लुईस जीन, दो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है, पहला है हमारा लुईस जीन और दूसरा है हमारा सिक्रीटर जीन। एंजाइम्स की हम बात करें तो एंजाइम्स भी दो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दो अलग अलग एंटीजेंस है, दोनों अलग अलग एंटीजेंस के लिए दो अलग अलग एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल है। पहला है हमारा फ्यूकोजाइल ट्रांसफरेज 3, FUT3 इनमें शॉर्ट में बोलते हैं, और फ्यूकोजाइल ट्रांसफरेज 2, FUT2। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि लुईस ब्लड ग्रुप सिस्टम की ओवरऑल स्टोरी क्या है। तो हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे ग्लैंडुलर एपिथीलियल टिश्यू से, मतलब स्टोरी हमारी स्टार्ट हो रही है टिश्यू से। अब जो ये एंटीजेंस है ना, लुईस एंटीजेंस, ये कौन से टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल होते हैं बनाने के लिए? वो होते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियल टिश्यू। अब ये ग्लैंडुलर एपिथीलियल टिश्यू क्या होता है? ये ऐसे एपिथीलियल टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं। सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कि स्वेट, पसीना आना, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, ये सारे क्या है, हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, तो ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो सिक्रीट करता है वही टिश्यूज क्या होते हैं, हमारे ग्लैंडुलर एपिथीलियल टिश्यूज होते हैं। अब हमें पता है कि टिश्यूज हैं तो वो किससे मिलकर बने होंगे? सेल से मिलकर बने होंगे। तो ऐसी कौन सी सेल्स है जो हमारे लुईस एंटीजेंस को बनाती है? वो होती है हमारी एक्सोक्राइन सेल्स। एक्सोक्राइन सेल्स भी क्या है, वही सेल्स है, मतलब इस टिश्यू, ये जो टिश्यू है वो सेल से मिलकर बना है, तो सेल का नाम क्या है? एक्सोक्राइन सेल्स है। ये सेल्स क्या काम करती हैं? ये वही सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करती है, स्वेट, सलाइवा, मिल्क, एंजाइम्स एक्सेट्रा, इन सबको क्या करती है, ये सिक्रेट करती है डक्ट के थ्रू। और इसी सेल से हमें क्या मिलते हैं, लुईस के एंटीजेंस मिलते हैं। अब देखिए, ये सेल है तो सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए होगा, क्रोमोसोम्स होंगे। तो इस सेल के अंदर कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोसोम नंबर 19। देखिए, हम हर एक लेवल पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टिश्यू देख लिया कि टिश्यू कौन सा है, उसके बाद हमने नेक्स्ट लेवल पे आए कि टिश्यू सेल से मिलकर बनता है तो सेल कौन सा है, उसके बाद सेल्स के बाद आए हम क्रोमोसोम पे, तो क्रोमोसोम कौन सा है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 19 जो लुईस एंटीजेंस को बनाता है। अब हमें मालूम है कि क्रोमोसोम्स पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं।
तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 19 पे दो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है. मैंने भी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ दो जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो है हमारा लुइस जीन और दूसरा है हमारा सिक्रेटर जीन्स. तो जीन के लेवल पे भी बात हो गई. नेक्स्ट हम लेवल पे आते हैं अलील्स पे. तो लुइस जीन के दो अलील्स होते हैं, पहला अलील है डोमिनेंट फंक्शनल अलील और दूसरा है हमारा रिसेसिव नॉन फंक्शनल अलील. देखिए नाम से ही समझ आ रहा है हमें कि ये वाला जो अलील है वो डोमिनेंट है, वो हमेशा खुद की डोमिनेंसी को शो करेगा और वो फंक्शनल है, मतलब ये काम करता है. काम क्या कर रहा है ये, हमें मालूम है कि जीन्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं और एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं. तो ये वाला जो अलील है वो क्या बनाएगा, एंजाइम बनाएगा. कौन सा एंजाइम, फ्यूकोजाइल ट्रांसफ्रेज 3 एंजाइम. रिसेसिव नॉन फंक्शनल अलील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं है क्योंकि ये नॉन फंक्शनल है, मतलब ये कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना रहा है जो कि फंक्शनल हो. इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको कैपिटल एल और स्मॉल ई से. लुइस का है इसलिए डोमिनेंट है, इसलिए कैपिटल एल से. ये नॉन फंक्शनल है, रिसेसिव है, इसलिए हम इसको स्मॉल लेटर एल से डिनोट करते हैं और एल ई. दूसरी बात हम करें सिक्रीटर जीन की, तो यहाँ पे भी इसके दो अलील्स होते हैं, वही सेम है कि एक तो डोमिनेंट होगा और एक फंक्शनल होगा. डोमिनेंट है और फंक्शनल है वो, ये रिसेसिव है और नॉन फंक्शनल है. फंक्शनल है इसका मतलब वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंजाइम प्रोड्यूस होगा वो होगा फ्यूकोजाइल ट्रांसफोरेज 2 एंजाइम. यहाँ पे आप डिफरेंस देखिएगा कि यहाँ वाला जो अलील है, जो यहाँ पे अलील प्रोड्यूस कर रहा है एंजाइम को, वो है आपका FUT3 एंजाइम, फ्यूकोज ट्रांसफरेज 3 एंजाइम. और यहाँ पे जो एंजाइम रिलीज हो रहा है सिक्रेटर जीन के अलील से, डोमिनेंट अलील से, वो हो रहा है फ्यूकोजाइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम. दूसरा है यहाँ पे रिसेसिव नॉन फंक्शनल अलील है इसका, जो कि कोई प्रोडक्शन नहीं है क्योंकि नॉन फंक्शनल है ये. यहाँ इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एस, क्योंकि सिक्रेटर जीन है और डोमिनेंट कर रहा है, तो कैपिटल एस और ई सिक्रेटर जीन के वजह से. और यहाँ पे ये रिसेसिव है इसलिए स्मॉल ई, स्मॉल एस और स्मॉल ई के नाम से इसको डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे हमें ओवरऑल सुपरफिशियली क्या देखना है कि क्रोमोसोम नंबर 19 पे दो जीन्स हैं, लुइस जीन, सिक्रेटर जीन. इन दोनों के अलग अलग दो अलील्स हैं, दोनों अलील में से एक तो डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा. डोमिनेंट वाला फंक्शनल होगा, रिसेसिव वाला नॉन फंक्शनल होगा. और जो फंक्शनल होगा वह एंजाइम को रिलीज करेगा. तो आपको यहाँ पे मेन ध्यान देना है कि लुइस जीन के अलील से जो एंजाइम निकलता है वो होता है फ्यूकोजाइल ट्रांसफरेज 3. यहाँ सिक्रेटर जीन पे भी दो अलील्स हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव. और यहाँ पे जो एंजाइम निकल रहा है फंक्शनल डोमिनेंट सिक्रेटर जीन से, वो है आपका फ्यूकोजाइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम. अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि जो लुइस एंटीजेंस हैं, दो टाइप्स के जो लुइस के एंटीजेंस हैं LEA और LEB, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, ये कैसे बनते हैं. तो एक साइड मैंने एक्सप्लेन करा है कि LEA कैसे बनता है और दूसरी साइड मैंने एक्सप्लेन करा है कि LEB कैसे बनता है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे LEA कैसे बनता है. अभी आपने समझा था कि जो LE जीन था उसने रिलीज करा था एंजाइम कौन सा, फ्यूकोजाइल ट्रांसफरेज 3 एंजाइम. ये एंजाइम क्या करता है, नेचुरली जो ओलिगोसेक्राइड टाइप 1 चेन प्रेजेंट होती है उसके ऊपर ये फ्यूकोज मॉलिक्यूल को जाकर ऐड कर देता है और इस एडिशन से जो एंटीजन बनता है वो कहलाता है हमारा LEA एंटीजन. ठीक है, समझ आया. अभी हमने देखा कि जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं, एक्सोक्राइन सेल्स पे क्या है, ओलिगोसेक्राइड टाइप 1. यहाँ पे टाइप 1 पे मैं क्यों फोकस कर रही हूँ वो भी मैं आपको समझाऊंगी, बट पहले इसको हम समझते हैं कि एक्सोक्राइन सेल्स के ऊपर टाइप 1 ओलिगोसेक्राइड चेन है. उसके अंदर क्या, एक्सोक्राइन सेल्स में क्या रिलीज हो रहे हैं, फ्यूकोजाइल ट्रांसफरेज 3 एंजाइम रिलीज हो रहा है. ये एंजाइम क्या करेगा, फ्यूकोज को उठाएगा और इसको ट्रांसफर कर देगा टाइप 1 की चेन पर. और ये जो आपका रिजल्टेंट एंटीजन बनेगा वो कहलाएगा, इन दोनों के एडिशन से जो एंटीजन बनेगा वो कहलाएगा हमारा LEA एंटीजन. राइट, यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ LEB की तो कैसे होती है, वो सिक्रेटर जीन रिलीज कर रहा है फ्यूकोजाइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम को. वो क्या करेगा, वो भी सेम ऐड करेगा फ्यूकोज को ओलिगोसेक्राइड टाइप 1 के ऊपर. फ्यूकोजाइल ट्रांसफरेज का नाम से हमें समझ आ रहा है कि क्या काम कर रहा है, फ्यूकोज को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब ये सेल से उठा के फ्यूकोज को ट्रांसफर कर रहा है ओलिगोसेक्राइड टाइप 1 की चेन पे. और जो रिजल्टेंट एंटीजन बन रहा है वो बन क्या रहा है, LEB बन रहा है. यहाँ पे देखो दोनों में आपको जो कंपोजिशन दिख रहा है वो सेम दिख रहा है कि इसमें भी ओलिगोसेक्राइड टाइप 1 है और फ्यूकोज ऐड हो रहा है. LEB की बात करें तो यहाँ भी ओलिगोसेक्राइड टाइप 1 पे फ्यूकोज जाके ऐड हो रहा है. बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि दोनों में जो फ्यूकोज मॉलिक्यूल लगता है ना वो अलग अलग पोजीशंस पे जाके लगता है. जैसे ये आपका टाइप 1
ऑलिगोसेक्राइड की चेन है। फ्यूकोज अगर इधर साइड लग गया तो वो आपका LEA कहलाया जाएगा। और अगर इस फ्यूकोज की क्या हुई पोजीशन अलग है, जैसे अब पोजीशन इसकी यहाँ पे जाके लगा है तो वो क्या कहलाएगा, LEB कहलाएगा। तो मेन डिफरेंस क्या है इनमें, इनमें फ्यूकोज की पोजीशन का डिफरेंस है। इसका फ्यूकोज यहाँ लग रहा है तो उसका फ्यूकोज उधर अलग साइड पर लग रहा है, राइट। अब मैं आपको बता रही थी कि ऑलिगोसेक्राइड टाइप 1 पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा कि जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम था उसमें क्या बनता था, एच एंटीजन बनता था। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के एंटीजन फॉर्मेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, उसकी वीडियो मैं आपको एपर्टन में मेंशन कर दूंगी। वहां पे आप देखिएगा कि जब एच एंटीजन बनता है ना तो वो कैसे बनता है कि RBC के ऊपर, यहाँ पे मैं RBC नहीं रेटिकुलोसाइट की बात होगी क्योंकि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो रेटिकुलोसाइट सेल्स जो होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, वहां भी ऑलिगोसेक्राइड की चेन थी और उस पे भी क्या लग रहा था जाके फ्यूकोज। और जब ये बाइंडिंग हो जाती हम इसको क्या बोल रहे थे, एच एंटीजन बोल रहे थे। यहाँ भी ऑलिगोसेक्राइड है वहां भी फ्यूकोज लग रहा है और हमने इसको यहाँ एच एंटीजन बोला और यहाँ पे हम इसको लुईस एंटीजन बोल रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस होता है ऑलिगोसेक्राइड चेन का। लुईस एंटीजन के अंदर जो ऑलिगोसेक्राइड चेन होती है वो होती है टाइप फर्स्ट की, और ABO सिस्टम के अंदर जो एच एंटीजन बनता है उसकी जो ऑलिगोसेक्राइड चेन होती है वो होती है टाइप 2 की। ये इनमें डिफरेंस होता है। अब आपको एच एंटीजन LEA में और LEB में डिफरेंस समझ आया। एच एंटीजन में क्या होगा, फ्यूकोज होगा, ऑलिगोसेक्राइड होगा टाइप 2 का। LE में फ्यूकोज होगा, ऑलिगोसेक्राइड होगा टाइप 1 का। इसमें भी फ्यूकोज होगा प्लस ऑलिगोसेक्राइड होगा टाइप 1 का। दोनों में सिमिलैरिटी दिख रही है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्यूकोज की पोजीशन अलग होती है। और इसका और इनमें से क्या डिफरेंस है कि इसमें ऑलिगोसेक्राइड 2 होता है और इनमें ऑलिगोसेक्राइड 1 की चेन होती है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। इसके बाद क्या हुआ, ये प्रोडक्शन हो जाएगा लुईस एंटीजन्स का, LEA भी बन गए और LEB भी बन गए। ये जो एक्सोक्राइन सेल्स थी इसके ऊपर LEA भी बन रहा है यहाँ पे और इस वाले सेल्स के ऊपर LEB बन रहा है। ये LEB बन गया और इन वाली सेल्स पे LEA बन गया। बनने के बाद ये कहाँ रिलीज हो जाते हैं, हमारे प्लाज्मा के अंदर। ये LEA और LEB कहाँ चले जाएंगे, एक्सोक्राइन सेल्स ने बना दिया और ये रिलीज हो जाएंगे अब हमारे प्लाज्मा के अंदर। जब ये प्लाज्मा में चले जाएंगे तो इनको कौन एड्सॉर्ब कर लेगा, RBCs प्लाज्मा से एड्सॉर्ब कर लेगी और RBCs अपनी सेल्स पे उसको रिप्रेजेंट कर देगी। RBCs तो करती लेकिन साथ में अदर सेल्स भी करते हैं, जैसे एंडोथीलियम सेल्स, किडनी के सेल्स, जेनाइटो यूरिनरी सेल्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एपिथीलियल सेल्स, ये सब सेल्स भी क्या करते हैं, प्लाज्मा से इनको एड्सॉर्ब करते हैं और अपनी सेल्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या समझा कि LEA और LEB एंटीजेंस कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि ये एंटीबॉडीज फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन या ब्लड बैंक में क्या रोल है, क्या क्या लुईस एंटीजेंस के फिनोटाइपिंग होते हैं। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।